स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर आया हूं 11 जनवरी 2018 के करंट अफेयर्स। यदि हमारा करंट अफेयर्स पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इससे संबंधित क्वेश्चंस करने के लिए हमारे ऑनलाइन तैयारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला करंट अफेयर्स। UIDAI introduces virtual ID. Virtual ID. So अभी हाल में आपको पता होगा कि जो मतलब कि आधार नंबर है, यानी ठीक है, तो आधार नंबर से मतलब कि ये खबर आई कि ये मतलब कि इसमें जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो लीक हो सकती है, यानी कि आधार नंबर में जो भी डाटा है वो लीक हो सकती है और उससे जो है प्राइवेसी कंसर्न्स का इश्यू उठ के आया था। तो ये हमें क्या पता लगा कि ये जो बेसिकली ये मैनेज ये क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी जो कि आधार को मैनेज करता है, ठीक है, आधार को मैनेज करता है जो कि 12 नंबर का, ठीक है, एक यूनिक आईडी है। आधार क्या है, 12 नंबर का यूनिक आईडी है और ये जो है बेसिकली मतलब कि सबसे पहले जनवरी 2009 में इसे सेटअप किया गया था और सितंबर 2010 में, ठीक है, पहला यूनिक यानी कि पहला आधार नंबर इश्यू हुआ था, ठीक है, एक रेसिडेंट को जो कि नंदुरबार महाराष्ट्र, ठीक है। तो इससे संबंधित मतलब कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो कि आधार जो कि 12 नंबर का यूनिक आईडी उसे देखती है, ये जनवरी 2009 में मतलब कि आया था। इसके मतलब कि उस टाइम पे जो नंदन नीलकानी जो कि अभी इंफोसिस के वो हैं, ठीक है, इंफोसिस से जुड़े हैं, तो नंदन नीलकानी की अध्यक्षता में जनवरी 2009 में तत्कालीन सरकार ने बनाया था और सितंबर 2010 में पहला आधार नंबर एक नंदुरबार में रहने वाले महाराष्ट्र के रेसिडेंट को दिया गया था। सो ये विश्व का अभी तक 111 करोड़ लोग जो है आधार नंबर के तहत कवर हो जा चुके हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी क्या हाल में ही ये देखा गया कि इसके जो डाटाज हैं, ठीक है, ये मतलब कि ब्रीचेबल है, मतलब कि डाटा लीक हो सकता है। और ये कहां, ये कब हुआ, ये ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट आया था, ट्रिब्यून एक नेशनल न्यूज़पेपर है, जिसमें ये रिपोर्ट आया कि व्हाट्सएप पे एक नंबर है, एनोनिमस नंबर है, जो कि 500 रुपए में किसी के भी डाटा को उपलब्ध करा सकता है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न उठ के आया था, तो उसी सिक्योरिटी कंसर्न के चलते जो है UIDAI ने ये वर्चुअल आईडी इंट्रोड्यूस किया है। अब आइए देखते हैं ये वर्चुअल आईडी है क्या, ये क्या है वर्चुअल आईडी, ठीक है, ये 16 डिजिट का है, ठीक है, 16 डिजिट का एक यूनिक वो है, ठीक है। सो ये क्या है कि ये 16 डिजिट का यूनिक है और ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि, और इसके साथ क्या है कि ये एक्सपायरी, मतलब इसके साथ एक्सपायरी डेट भी है, ठीक है, और कहने का मतलब कि ये नॉन डुप्लीकेबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 16 डिजिट का है ये, जो कि मतलब कि किसी भी बंदे के आधार नंबर से जुड़ा हुआ होगा और इसकी एक एक्सपायरी डेट है और ये नॉन डुप्लीकेट, यानी कि जिस भी एजेंसी को दिखाएंगे वो डुप्लीकेट इसको नहीं कर सकती है। सो एक्सपायरी डेट है, कहने का मतलब क्या है कि आप इसको मतलब कि आधार के पोर्टल या मोबाइल आधार जो पोर्टल है, एम आधार, ठीक है, आप उससे जैसे कि बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक है जैसे आप कर लेते हैं, तो उसी के तर्ज पे आप ये 16 नंबर का जो यूनिक आईडी है आप इसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके हाथ में पूरी कंट्रोल होगी, ठीक है। तो जिससे कि वर्चुअल आईडी यानी क्या कहेंगे, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन। तो ये 16 डिजिट का जो वर्चुअल आईडी है अब ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेकर आया है। इसके अलावा जो है UIDAI ने और एक चीज इंट्रोड्यूस की है, दूसरी चीज क्या है कि लिमिटेड केवाईसी। अभी जो है हमें पता है कि चाहे वो आप मोबाइल नंबर लेने जा रहे हो या चाहे बैंक हो या किसी भी सर्विसेज के लिए, ठीक है, आपको मतलब कि आधार नंबर देना पड़ता है जिससे कि आपका नो योर कस्टमर नाम, ठीक है, नो योर कस्टमर। तो ये मतलब कि कस्टमर वेरिफिकेशन होता है इससे। अब क्या है कि अब UIDAI ने क्या किया है कि अब कहा है कि अब ये जो है कुछ ही एजेंसीज को ये मतलब एक स्पेसिफिक टोकन देगी जो कोई आपकी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अभी कैसा कि पब्लिक प्राइवेट डोमेन में किसी के पास है, आप उसको देते हो, वो स्वाइप करते हैं तो वो डाटा चला जाता है आपका, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगी,
कि ये कुछ ही लोगों को ये डाटा देगी, तो इसको जो है ग्लोबल AUA यानी ऑथराइज्ड यूनिक एजेंसी, ठीक है। सो ये लिमिटेड नो योर कस्टमर लिमिटेड KYC है। तो ये क्या है कि इसके तहत क्या है कि एक बेसिकली मतलब कि इन्होंने मतलब कि दो तरीके की एजेंसीज डिफाइन की हैं, ग्लोबल AUA और लोकल AUA। सो ये AUA क्या है कि ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, ठीक है, क्या है ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी, ठीक है। सो ये जो ग्लोबल ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी है केवल इनको ही मतलब यही आपके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे और इनको जो है आपके डाटा का एक्सेस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो इनको क्या होगा, ये कैसे होगा कि इनको बेसिकली एक सिस्टम जनरेटेड यूनिक टोकन दिया जाएगा जो कि एजेंसीज के स्पेसिफिक ही होगा, और मतलब जब आप अपना मतलब कि वेरीफाई कराने जाएंगे तो वो उससे मैच करके कहने का मतलब कि वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो ये अब ऐसा नहीं है कि किसी भी पब्लिक या प्राइवेट को आपने दिया और आपका वेरिफिकेशन है तो उसमें डाटा चोरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये ग्लोबल AUA और लोकल AUA दो में डिवाइड हो रहा है। सो क्या क्या है मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कवर, पहला की वर्चुअल आईडी और दूसरा क्या है लिमिटेड KYC। अब ये जो वर्चुअल आईडी है ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा, ये June 1, 2018 से ये इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस दिन से आपको मतलब कि ये जो है 16 डिजिट का नंबर मिलना चालू हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी भी जो कंसर्न्स है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड UIDAI से जो डाटा लीक हो रही है आधार से कि वो एड्रेस हो गए हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि पहली बात की इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं बताया थी कि कैसे ग्लोबल AUA और लोकल AUA के बीच में कैसे मतलब कि जो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी है वो इसको डिस्टिंग्विश करेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी भी पूरे तरीके से जो है जो डाटा लीक्स हैं और जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो अभी भी एड्रेस नहीं हुए हैं, और इस पे है जो गवर्नमेंट को और भी मजबूत कदम लेने पड़ेंगे अगर इसे मतलब कि एक मतलब कि जो सर्विसेज दिए जाते हैं उसे मतलब कि उसका जो बेनिफिट है अगर ट्रांसफर करने का एक मैकेनिज्म बनाना है तो, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक प्रोग्राम बनाना है तो। हमारा दूसरा है JK टायर्स अपॉइंट राजीव प्रसाद एज हेड ऑफ इंडिया ऑपरेशंस। ठीक है। सो JK टायर हमें पता है कि ये मतलब कि JK टायर टायर्स और रेडियस बनाने में ये मतलब कि टॉप 25 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है एटलीस्ट टायर के मामले में, और रेडियस बनाने में ये इंडिया की लीडिंग मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, JK टायर। तो इसने अभी क्या किया है कि राजीव प्रसाद को मतलब कि इसके जो है कि लगभग 100 देशों में मतलब कि इसके मतलब JK टायर्स के अपने ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो उसी में से जो इंडिया ऑपरेशंस है उसका जो हेड बने हैं वो कौन है, राजीव प्रसाद है। तो ये आ सकता है कि JK टायर्स के मतलब कि इंडिया ऑपरेशंस के अध्यक्ष कौन, किन्हें नामित किया गया है, तो राजीव प्रसाद को। और JK टायर्स के मालिक कौन है, तो JK टायर्स के जो CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है रघुपत सिंघानिया, आर सिंघानिया यानी रघुपत सिंघानिया, ठीक है। ये है हमारा तीसरा है हरजिंदर सिंह नेम्ड शेफ डी मिशन फॉर विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। सो हरजिंदर सिंह है जिन्हें शेफ डी मिशन फॉर विंटर ओलंपिक्स बनाया गया है। सो शेफ डी मिशन क्या होता है कि जो लोग मतलब कि जितने भी मतलब एथलीट जाएंगे विंटर ओलंपिक्स में, ठीक है, सो वो मतलब कि उनके ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं शेफ डी मिशन, ठीक है। सो किन्हें नामित किया गया है, ये हरजिंदर सिंह को, ठीक है, हरजिंदर सिंह। तो ये जो विंटर ओलंपिक्स है इसमें दो बातें जानने हैं, ये पहली बात कि ये 2018 में हो रहा है, कब से, फरवरी से, और ये कहां हो रहा है, हमने कल ही देखा था जैसे पियोंग चैंग में हो रहा है, कहां, साउथ कोरिया में है, ठीक है। और हरजिंदर सिंह जो है अभी क्या है, ये जनरल सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के,
हमारा चौथा है के सिवन नेम्ड इसरो चेयरमैन, ठीक है। के शिवन जो है इनको इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसके साथ ही ये क्योंकि मतलब कि जो इसरो का अध्यक्ष होता है वो स्पेस सेक्रेटरी भी बन जाता है, ठीक है। सो स्पेस कमीशन का भी ये अध्यक्ष है। सो के शिवन ये इसरो के अध्यक्ष मतलब नामित किए गए हैं। सो इसमें करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि के शिवन किस नाम से जाने थे, इनको रॉकेट मैन कहा जाता है, ठीक है, ये रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये तत्कालीन अभी मतलब कि ये जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के ये चेयरमैन है अभी स्पेस सेंटर, जो कि कहां है आपका त्रिवेंद्रम केरला में, त्रिवेंद्रम केरला में है, ठीक है, उसके ये अभी चेयरमैन है। और ये जो है किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये एएस किरण कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, एएस किरण कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये क्यों जाने जाते हैं रॉकेट मैन, क्योंकि इन्होंने मतलब कि जो फरवरी 2017 में इंडिया ने इसरो ने रिकॉर्ड बनाया था कि एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, एक साथ 104 सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजे थे, ठीक है। सो ये इन्हीं की अध्यक्षता में भेजे थे, के सिवन की अध्यक्षता में, इसलिए इनको रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। और प्लस ये इंडिया के मतलब की जो क्रायोजेनिक इंजन जो बन रहा है, क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, जो इंडिया मतलब की जिसके लिए मतलब की इंडिया ने पहले रशिया से टाई अप किया था, ठीक है, लेकिन इंडिया ने देखा कि भाई जो मतलब कि मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम थी जिसके तहत मतलब यूएस ने इंडिया पे मतलब टेक्नोलॉजी बैन लगाया, ठीक है, उसके तहत इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिल पाया, तो उसने स्वदेशी तौर पर अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाना चालू कर दिया। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन बनने से क्या होगा कि इंडिया जो है 1000 टन से, ठीक है, 1000 केजी से जो ये है, सॉरी 1000 केजी से ऊपर जो है, ठीक है, जो सैटेलाइट है वो स्पेस में भेज पाएगा, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक इंजन इसमें बहुत मदद करेगा। तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है कि ये बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन रहता है जिसे कि मतलब कि एक टेम्परेचर पे कॉम्प्रेस किया जाता है, ठीक है, वो होता है -273 डिग्री पे इसको सप्रेस किया जाता है, ये होता है क्रायोजेनिक इंजन। सो ये जो है ये क्रायोजेनिक इंजन जो बन रहा है उसके भी मतलब कि बेसिकली इन्हीं की निगरानी में बन रहा है। तो क्रायोजेनिक इंजन बनने से क्या होगा, इंडिया जो है जीएसएलवी जो सैटेलाइट है मतलब कि हेवियर ड्यूटी वाला मतलब कि 1000 केजी से ऊपर, ठीक है, उसे भी मतलब कि ये जो है आउटर स्पेस में भेज पाएगा। सो क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली क्या होता है, ये जो करता है बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन और प्लस लिक्विड ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है। और ये जो रहते हैं कंप्रेस, सो ये ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है। सो क्रायोजेनिक होता है ये बेसिकली प्रोपेलेंट जो रॉकेट में होता है ये एज अ प्रोपेलेंट काम करता है, ठीक है। सो ये जो मतलब है ठीक है, ये क्या होता है कि ये कंप्रेस होता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, और वो टेम्परेचर क्या है -253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इसपे क्या होता है कि ये जो लिक्विड जो प्रोपेलेंट है, ठीक है, ये कंप्रेस रहता है जिससे कि मतलब कि जो हेवियर सैटेलाइट्स हैं उनको आउटर स्पेस में भेजने में मदद मिलती है। हमारा पांचवा है सेबी वैंस प्राइस वाटर हाउस फॉर 2 इयर्स, ठीक है। सो सेबी हमें पता है कि मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है अजय त्यागी हैं। कौन है इसके अध्यक्ष, अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। सो सेबी ने अभी क्या किया कि अभी एक बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण जजमेंट उसमें क्या किया है कि जो प्राइस वाटर हाउस है जो कि एक ग्लोबल ऑडिट फर्म है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ऑडिट फर्म है, ठीक है, ग्लोबल ऑडिट फर्म, ठीक है। सो उसको जो है इंडियन मार्केट से, इंडियन मतलब कि स्टॉक मार्केट से 2 साल के लिए बैन कर दिया है। कितने, इसके कहां से, 2 इयर्स फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ये किया क्यों है, क्योंकि जो प्राइस वाटर हाउस है तो ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कि जो सत्यम मतलब कि कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ, स्कैम हुआ, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम था, ठीक है, कौन सा, सत्यम स्कैम, ठीक है। सो सत्यम स्कैम जिसके कि अध्यक्ष रामलिंगा राजू थे उस टाइम पे,
ठीक है। सो सत्यम स्कैम जो कि ₹8,000 करोड़ का, ठीक है, ये कॉर्पोरेट स्कैम था जो कि सबसे बड़ा स्कैम है आज तक का, ठीक है। सो उसके जो ऑडिट वगैरह थे इसने प्राइस वाटर हाउस ने किए थे और ये कैंडिडली मतलब कि रामलिंगा राजू के मतलब ऑडिट में मतलब कि ऑडिट को मतलब कि अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो उसी के मद्देनजर जो है सेबी ने प्राइस वाटर हाउस को 2 साल के इंडियन स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। और इसके अलावा जो है, ठीक है, इसके अलावा क्या कहा है कि ₹13.09 करोड़ जो है उसे पे करने पड़ेंगे एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12%। और ये कब से होगा, ये कब से, फ्रॉम जनवरी 2009, ठीक है, 2009 से जो है उसको मतलब कि 13.09 करोड़, ठीक है, प्लस सॉरी एट द रेट नहीं है, ठीक है, सो ₹13.09 करोड़ प्लस 12% इंटरेस्ट जो है जनवरी 2009 से लगा के जो है उस पर पेनल्टी भी लगाई है प्राइस वाटर हाउस पे, क्या 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 13.09 करोड़ प्लस 12% इंटरेस्ट फ्रॉम जनवरी 2009, ये पेनल्टी है, और प्लस 2 साल के लिए उसे निलंबित कर दिया है। हमारा छठा है एससी अपॉइंट्स सिट फॉर 1984 सिख रायट, तो अभी हाल में क्या है कि जो दीपक मिश्रा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी खंडपीठ ने, ठीक है, ये डिसीजन लिया कि जो 186 जो सिख दंगे में मतलब सिख दंगों में जो मतलब पीड़ित लोग थे, 186 ऐसे केसेस जो सिख दंगों में हुए थे, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बिना ही क्लोज कर दिए गए थे, कितने 186, ठीक है, 186 केसेस क्लोज्ड विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्लोज्ड विदाउट इन्वेस्टिगेशन विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सो 186 केसेस जो कि क्लोज कर दिए थे बिना इन्वेस्टिगेशन में सिख दंगों के दौरान, ठीक है, तो उसपे जो है फिर से जो है नई सिट जो है बनाई है इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में। सो ये सिट का मतलब क्या है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। और ये जो है ये टीम जो है ये 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर है जिसमें कि जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन ये है आपके जस्टिस रिटायर्ड शिव नारायण ढिंगरा, जस्टिस रिटायर्ड कौन, शिव नारायण ढिंगरा। और इसके अलावा जो मेंबर्स हैं 2, ठीक है, मेंबर्स वो कौन है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर राजदीप सिंह और अभी सर्विंग जो आईपीएस ऑफिसर है, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर अभिषेक दुलार, ठीक है। सो कौन है चेयरमैन इसका सीट का, जस्टिस रिटायर्ड शिवनारायण ढिंगरा, और मेंबर्स हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर राजदीप सिंह और सर्विंग आईपीएस ऑफिसर अभिषेक दुलार। सो ये 3 सदस्यीय जो सिट है ये क्या मतलब कि जो 186 केसेस है जो कि बंद कर दिए गए थे बिना इन्वेस्टिगेशन के 1984 सिख दंगों के दौरान, ठीक है, उनको जो है फिर से ये इन्वेस्टिगेट करेगी और 2 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगी, 2 मंथ्स का टाइम है इनके पास। तो ये जो 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के मतलब कि इंदिरा गांधी को जब मार दिया गया था, ठीक है, तो उसके बाद ये हुए थे एनटीसी, और इसमें लगभग मतलब कि 2500 से ज्यादा लोग मर गए थे इसमें। और इसके बाद जो है एक कमिटी सेटअप की गई थी जिसका नाम था जस्टिस जीपी माथुर, ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड जीपी माथुर कमिटी जो है, ये आ सकता है कि किस पे सेटअप की गई थी, की गई थी, तो ये 1984 एंटी सिख राइट्स जो हुए थे, ठीक है, तो उस पे ये जीपी माथुर कमिटी सेटअप की गई थी। और सातवां है टू इंडियन ओरिजिन एमपीज इंडक्टेड
इन यूके गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट। सो जो मतलब कि वहां की मतलब कि वहां पे भी जैसे कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री मुख्य होता है। सो वहां की जो प्रधानमंत्री है मतलब कि यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, थेरेसा मे, ठीक है, थेरेसा मे पीएम ऑफ यूके। सो ये जो है कैबिनेट रीशफल कर रही है। सो कैबिनेट रीशफलिंग के दौरान क्या है कि वहां पे टू दो मतलब कि भारतीय मूल के जो एमपीज हैं उनको उन्होंने अपने मतलब की गवर्नमेंट में शामिल किया है। तो इसमें से एक जो है इंफोसिस के दामाद है वो है ऋषि सुनाक, ठीक है, पहले कौन है, ऋषि सुनाक जो कि इंफोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति, ठीक है, उनके दामाद है ऋषि सुनाक, ठीक है। और इनको जो है जो वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हाउस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्बन अफेयर्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस के मतलब की ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउस जो है वो संभालेंगे। और इनके अलावा जो है, ठीक है, फर्नांडिस, फर्नांडिस है, ठीक है, जिनको की मतलब कि थेरेसा मे की गवर्नमेंट में शामिल किया गया है। सो ऋषि सुनाक जो है ये यॉर्कशायर से एमपी है, कहां से, यॉर्कशायर, ठीक है, कहां से, ये यॉर्कशायर से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आठवां है एमईए आउटलाइंस फोर पॉइंट एजेंडा फॉर माइग्रेंट्स रिपैट्रिएशन। ठीक है, सो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी कि विदेश मंत्रालय, ठीक है, सो उनकी जो मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने कल क्या कि मतलब कि जो माइग्रेंट्स की सिचुएशन है यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय निवासी, ठीक है, उनकी जो सिचुएशन है, ठीक है, सो उनसे डील करने के लिए मतलब कि फोर पॉइंट एजेंडा जो है आउटलाइन किया है। तो उस एजेंडा के तहत क्या है, पहला पहला जो है कि फ्री रिपैट्रिएशन, ठीक है, फ्री रिपैट्रिएशन बाय सेंटर, ठीक है, यानी कि एमईओ जो है ये फ्री रिपैट्रिएशन करेगा, ठीक है, किस केस में करेगा कि अगर उस देश में वॉर है या नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी है, या फिर किसी को मतलब कि धोखे से वहां पे ले जाया गया है, ठीक है, मतलब कि ड्यूप्ड इमिग्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको कि धोखे से ले जाया गया है, तो इन केसेस में है जो सरकार है मतलब कि मुफ्त में वहां से मतलब कि रिपैट्रिएट कर लेगी इंडिया में, ठीक है। दूसरा जो केस है, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स का है, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स, दूसरा जो केस है इलीगल माइग्रेंट्स का है, ठीक है, इस केस में यह है कि इलीगल माइग्रेंट्स के केस में कि पहले जो है जो मतलब कि जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो यानी इलीगल माइग्रेंट्स के केस में क्या है कि ये तभी होगा जबकि स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट, ठीक है, ये एफआईआर लॉन्च करता है, ठीक है, एफआईआर लॉन्च करता है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द एजेंट, ठीक है, अगेंस्ट एजेंट। सो एजेंट के खिलाफ जब ये एफआईआर लॉन्च करेगा सो क्या है कि एजेंट से ही कॉस्ट रिकवर किया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स के केस में। अगर तीसरा है कि सेकेंड केस ऑफ इलीगल माइग्रेंट, इलीगल, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरी बार पकड़ा जाता है मतलब कि गैर कानूनी तौर पे मतलब किसी देश में पाया हुआ, तो उस केस में है कि उसी बंदे को मतलब कि उसी बंदे से कॉस्ट रिकवर किया जाएगा और उसका जो है पासपोर्ट 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या है, सस्पेंशन ऑफ पासपोर्ट फॉर 5 ईयर्स, पासपोर्ट फॉर 5 ईयर्स। और नौवा है अमेजन सीईओ बिकम्स रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। ठीक है, सो अमेजन के जो सीईओ है जेफ बेजोस, कौन है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, ठीक है। सो ये जो है मतलब कि $105 बिलियन, कितना, $105 बिलियन, ठीक है, के मार्केट कैप के साथ ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और इन्होंने मतलब कि जो 1999 में बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी हुए थे उस समय हिस्ट्री में, तो इन्होंने उनको ओवरटेक करके जो है अब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तो $105 बिलियन जो है ये ब्लूमबर्ग
बिलियनेयर के हिसाब से है, बिलियनेयर इंडेक्स के हिसाब से है, और दूसरा जो है फोर्ब्स का जो इंडेक्स है, ठीक है, फोर्ब्स का, उसके हिसाब से इनका जो है डॉलर 104. समथिंग बिलियन है, ठीक है। सो दोनों ही केसेस में ये बिल गेट्स से बहुत ही आगे निकल गए हैं, और ये जो है बेसिकली जो मतलब कि जो जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, डोजोंस वगैरह, सो वहां पे जो इनके शेयर्स में जो उछाल आया है मोर देन 50% का, ठीक है, उसके कारण ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो गए हैं, मतलब कि अब तक इनसे अमीर आदमी कोई नहीं हुआ। बिल गेट्स थे 1999 में, वो भी इनसे कम थे। हमारा 10वां करंट अफेयर्स है, प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स फोर्थ इंटरनेशनल धम्मा धम्मा। ठीक है, सो फोर्थ इंटरनेशनल धम्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है प्रेसिडेंट ने ये इनोग्रेट किया, कब, ये 11 जनवरी को इन्होंने इनोग्रेट किया, नहीं आज ही के दिन, और ये कहां किया इन्होंने, ये राजगीर में, ठीक है, राजगीर बिहार में, वहां इन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है। सो इसका मतलब कि इसका जो मकसद है, जो 25 साल जो पूरे हुए हैं, ठीक है, 25 साल किसके बीच में, 25 साल जो इंडिया और एशियान, ठीक है, इंडिया और एशियान के जो रिलेशनशिप, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसको जो 25 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, उसी को ये कॉमेमोरेट करेगा इंटरनेशनल धम्मा धम्मा। और यहाँ पे मतलब कि ये मतलब कि एक्सप्लोर किया जाएगी कैसे हम इस विश्व को और एक शांति प्रिय विश्व बना सकें, ठीक है। सो 25 ईयर किसके, इंडिया एशियन के, क्योंकि हमें पता है कि 1992 में इंडिया और एशियान के बीच में पहली मतलब कि डायलॉग, इंडिया डायलॉग पार्टनर बना था, ठीक है, 1992 में पहली बार एशियान से मतलब कि इसके भारत के संबंध स्थापित हुए थे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा, और हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।